बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। अपनी बारात में दूल्हा नशे की हालत में पहुंचा। मेरठ, अभी तक तो आप लोगों ने बारातियों को नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा करते देखा होगा, लेकिन एक अजीबो गरीब खबर हम आपको दिखाते हैं जहां अपनी बारात में दूल्हे ने शराब के नशे में हाई वोल्टेज ड्रामा कर दिया और साथ ही 1,00,000 रुपए की डिमांड कर डाली। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज, हर खबर पर नजर। पूरा मामला थाना परतापुर क्षेत्र के भूर बराल का है, जहां गरोड स्थित सिसौली गांव से बारात पहुंची थी। जब बारात लड़की वालों के दरवाजे पर पहुंची तो लड़की वालों ने देखा कि सभी बाराती नशे की हालत में चूर हैं और बारातियों के साथ दूल्हा खुद भी नशे में टुल है। दूल्हे ने इतनी शराब पी रखी थी कि उससे खड़ा तक नहीं हो जा रहा था और साथ ही 1,00,000 रुपए की डिमांड कर डाली दूल्हा ने। बताया जा रहा है कि लड़की पक्ष ने लड़के के परिजनों को बंधक बनाकर पुलिस को सूचना दी और लड़की वालों ने अपनी लड़की की शादी करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। जहां शादी का इनकार होते ही खुशी का माहौल गम में बदल गया और जब इस बात की लड़की को पता चला तो लड़की ने भी साफ तौर पर शादी करने को मना कर दिया। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने लड़की और लड़के के रिश्तेदारों को साथ बैठाकर समझौता कराने की पूरी कोशिश करी। फिलहाल लड़की का कहना है कि मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती जो अपनी ही बारात में नशे की हालत में शराब पीकर हाई वोल्टेज ड्रामा करता दिख रहा है और साथ ही 1,00,000 रुपए की डिमांड कर रहा है। लड़की का कहना है कि जब लड़का अभी से ये हाल है तो आखिरकार शादी के बाद क्या होगा। मेरठ मित्र से नवीद खान की रिपोर्ट। लड़की की शादी सभी दहेज दिया, मोटरसाइकिल को देख के यूँ कहने लगे 1,00,000 रुपए चाहिए और गाड़ी चाहिए और सारी बारात धुत नशे में। दूल्हा तो इतना नशे में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, गिर गिर जा रहा। और बस न्यू हमें तो हम नहीं कर रहे शादी, हमें तो दहेज 1,00,000 रुपए चाहिए, नगद और 4 पहियों की गाड़ी चाहिए, हमें शादी नहीं कर रहे। और मैंने गरीब आदमी 10,00,000 का सामान दिया मैंने जी। तो इसमें आपने किस किस को बैठा रखा है यहाँ पर, जो बैठा रखा है किस किस को बैठा है आपने यहाँ पर, बरातियों को किसको बैठा है? गांव के आदमी है, बराती भी है, सबके सामने। फिर उन्होंने हंकार गए, हमें तो गाड़ी चाहिए, अन्य हम नहीं भूले शादी की करने की। और अब बैठा रखा है दूल्हे को और उनके जीजा को, उनकी बहन को और उनके भैया को, और सुबेरी उनका भाई था और उनके पापा थे, वे चले गए लोग भाई, दो आदमी और थे। तो इसमें आपने पुलिस को सूचना दी क्या? सूचना अब दिया। ग्राम भूरबराल के विषय है, यहाँ मुनेशा पुत्री राजपाल लड़की की शादी की रात बारात आई और जब बारात आई तो दूल्हा इतनी बुरी हालत में, नशे की इतनी बुरी हालत में था कि उसकी आंख नहीं खुल रही थी, उस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो इतनी बुरी स्थिति देखकर लड़के पक्ष की तरफ से भी आवाज आई कि इस पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा है तो ऐसी हालत में क्या शादी करना। और यह जानकारी, इस घटना की जानकारी लड़की को पता चली तो लड़की ने भी स्वयं ऐसे लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा हो, जिसकी आंख नहीं खुल रही हो, बहुत बुरी हालत में, नशे की हालत में वह लड़का था। तो लड़की ने भी शादी से इनकार कर दिया और लड़की पक्ष की तरफ से पूरा खर्च, पूरा पैसा जो इस विवाह में लगाना था, गरीब परिवार है, कुछ इधर उधर से कर्ज लेकर भी शादी में पैसा लगाया था, वो पूरा खर्च हो चुका है, कहता समझौता किया जाए और लड़की ने शादी से स्पष्ट मना कर दिया, अब ये शादी नहीं होगी। ये बारात कहाँ से आई थी? ये बारात सिसोली गांव जो गढ़ रोड पर पड़ता है वहाँ से बारात आई थी। इसमें जो दूल्हा है, दूल्हा गया यहाँ से या दूल्हा भी यही है, लेकिन दूल्हा पक्ष के अन्य व्यक्ति वो गए हैं, जो आपस में कुछ समझौता हुआ है उस समझौता पर चर्चा करने, बात करने के लिए गए हुए हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। इस चीज की पुलिस को आपने सूचना दी? पुलिस के लिए एप्लीकेशन लिखकर थाने को सूचना दी जा चुकी है और एप्लीकेशन भी भेजी जा रही है और पुलिस यहाँ आ भी चुकी है, उपस्थित भी है।
खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र। जय हिंद।